आराम से पढ़ूंगी तुम्हें, कहीं कोई रुआ बाकी ना रहेगा। आहिस्ता चखूंगी तुम्हारे होठों पर रखी बात, मिलते हुए भवों के बिरड़ जंगलों में भटकूंगी। मुझसे पूछते हो मैं तुमसे आंखें मिलाने से कतराती क्यों, तुम्हारे इस सवाल का क्या जवाब दूं तुम्हें। तुम चाहते हो मैं तुम्हें पढ़ती जाऊं, तुम्हारी किताबों के पाठक की तरह नहीं, बल्कि उस तरह जैसे दिल से देखने वाले पढ़ते हैं ब्रेल लिपि। तुम्हारे माथे के शफाक गगन में झूमते काले बादल जब नाद निदाद से थकते हैं, तब कनपटी पर नमूदार होती हैं पसीने की नन्ही बूंदे। इन्हें अपनी उंगलियों की सतह पर महसूस करना मुझे जिंदगी से भर देता है। तुम्हारी हथेलियां रबर की पत्तियां हैं जिनमें उगी लाल धारियों की धुन कान लगा सुनने को जी चाहता है। तुम्हें अपनी ओर आते देखना या किसी स्टेशन पर मेरे इंतजार में खड़े हुए पाना मेरी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा देता है। तुम्हारा वजूद मेरी दुनिया के सुंदर होने की गवाही है। तुम लफ्जों के खुदा हो, मैं तुम पर ईमान लाने वाली वाहिद लड़की। मुझ पर फर्ज है कि मैं तुम्हें हिफ्ज कर लूं। यशस्वी पाठक, कितना खूबसूरत लिखा है। आनंद आ गया मुझे पढ़ के। यशस्वी बहुत बेहतरीन लिखती हैं, कमाल का लिखती हैं आप और आप सब लोग। चलिए इश्क करते हैं, चलिए ना।